अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट उठाया है जो हम सॉल्व करेंगे इसमें। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आए इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस अलजेब्रिक इक्वेशन को देखिए, इसके राइट हैंड साइड पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और -1। इसका मतलब ये कि अगर एक्स की कोई भी वैल्यूज़ निकले तो उनमें से 0 और -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 0 को यहाँ पर प्लग इन करते हो तो ये जो फ्रैक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाता है, और अगर -1 को यहाँ पे प्लग इन करते हो तो ये जो फ्रैक्शन है ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए x की वैल्यूज जो हैं वो 0 और -1 नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो आपका सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 ये है कि आपने इसके डिनोमिनेटर की जितने भी टर्म्स हैं इनका आप अलग से एलसीएम ले लीजिए, जो कि आपके पास बनेगा 2x into x plus 1 बनेगा। इस 2x into x plus 1 को हर फ्रैक्शन के साथ अलग अलग से आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 into x into x plus 1 x over x plus 1। तो ये आपके पास पहले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे फ्रैक्शन के साथ जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2x into x plus 1 ओवर x, और ये वाला x प्लस वन भी अपनी जगह आ जाएगा। 5 over 2 into 2x और x plus 1 आ जाएगा। अब आप जो इनमें कॉमन टर्म्स हैं तो उनको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे पहले वाली टर्म में x plus 1 और x plus 1 आपके पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास x और x जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2x square plus 2 into x plus 1 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन के ये बन जाएगा 5x into x plus 1 बन जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, तो यहाँ पर आपके पास है x plus 1 का होल स्क्वायर, इसे आप a plus b होल स्क्वायर से खोल दीजिए। a plus b होल स्क्वायर का फार्मूला कुछ ऐसा है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो सेम इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इस टर्म को जो है एक्सपेंड कर देंगे और हमारे पास बनेगा 2x square plus 2 बाहर रहेगा फिलहाल, और x square plus 2x और plus 1 बन जाएगा is equals to, और ये 5x इन दोनों टर्म से अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 5x square plus 5x। अब यहाँ पर इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं इनके साथ हम अलग अलग से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह से, 2x square plus 2x square। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बनेगा 4x, और ये 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बनेगा 2, और इस तरफ ये एज इट इज लिख देंगे हम। अब ये 2 टर्म्स आपस में सेम है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 4x square plus 4x और plus 2 is equals to 5x square plus 5x। अब आप क्या करें कि इन सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे ले जाएं। अगर आपने अपने लिए एक स्टेप को कम करना है तो आप ये डिसाइड कर लो कि जो जिसमें x square का कोएफिशिएंट बड़ा हो उस तरफ सारी टर्म्स को जो है ना शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस तरफ चूंकि 4 है और इस तरफ 5 है आपके पास, तो इस साइड पे मैं 0 छोड़ दूंगा, यानी कि ये सारी टर्म्स को मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, और ये बन जाएगा 5x square, ये 4x इस 5x square से माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा -4x square, और प्लस 5x अपनी जगह, और ये वाला 4x इस 5x से माइनस हो जाएगा, और इस 2 को जब हम उस तरफ शफल कर देंगे ये बन जाएगा -2। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स थे जो पॉजिटिव थे वो जब उस तरफ शफल हुए हैं तो आपके पास क्या है, वो उनका साइन चेंज हो गया, वो माइनस प्लस से माइनस में हो गया। अगर यहाँ माइनस होते हैं तो वो प्लस हो जाते।
अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5x² में से 4x² निकालो तो आपके पास बनता है 1x², और ये आपके पास बन जाएगा, 5 में से 4 निकलेगा तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस 1x, और माइनस 2 का कोई पार्टनर नहीं है तो वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इस तरह की इक्वेशन को हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, सबसे पहले हम उसे रिड्यूस करेंगे इनटू सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हो सकता है कि क्यूबिक इक्वेशन बन जाए, या उसे ग्रेटर पावर की इक्वेशन बन जाए। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होना चाहिए, आपने उसे रिड्यूस करना है, ठीक है जी। अब इस तरह की इक्वेशन को हम लोग मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं उसकी। तो मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है कि जो x² की टर्म हो उसका कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1 और -2। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास बनेगा -2, और इस -2 के हम दो ऐसे फैक्टर बना लें जिनको हम या ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, तो वो हमारे पास क्या बना दे, ये बीच की टर्म बना दे। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ तो मेरे पास एक हो सकता है -2 और +1, इससे मेरे पास आंसर आएगा -1। तो अगर आप देखें यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 और -1 को देख लेते हैं। जब 2 को से मैं -1 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 1। तो ये हमारे पास परफेक्ट पेयर है, तो इस पेयर को हम यूज कर लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, 1x² प्लस 2x माइनस x और -2 इक्वल्स टू 0। अब हम इन पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, अगली दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें से जब हम कॉमन देखते हैं तो हमारे पास आता है x, और यहां पे बन जाएगा x और प्लस 2, और इसमें से जब हम कॉमन देखते हैं तो हमारे पास बन जाता है -1 और x प्लस 2। जब मैंने -1 कॉमन लिया तो वो इसमें से भी कॉमन लिया और इसमें से भी, तो ये टर्म चूंकि नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी, और ये टर्म भी चूंकि नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी। अब जैसे पिछली क्लासेस में आपको बताया गया होगा कि जब आप इस स्टेज पर पहुँचते हैं और आपको नज़र आता है कि ये दोनों टर्म सेम है, तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो x प्लस 2 आप इसमें से कॉमन ले लें, x प्लस 2 आपने कॉमन किया और यहाँ पे बना आपके पास x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से, x प्लस 2 को अलग से इक्वल टू 0 कर दें तो आपके पास बनेगा x इज इक्वल्स टू -2, और इसी तरह x माइनस 1 को अलग से इक्वल टू 0 कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। तो आपका जो सोल्यूशन है, आपका सोल्यूशन क्या बना, सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास -2 और 1 बन गया। जैसे ही आपको शुरू में बताया गया था कि x की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के अलग होनी चाहिए, मतलब ये दो वैल्यूज में से कोई वैल्यू नहीं होनी।